हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी 10 जीवन की शिक्षा जो हम 1 साल के बच्चे से सीख सकते हैं। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम ही बच्चों को सिखाएं या बड़े ही बच्चों को सिखाएं, हम भी छोटों से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने मेरी 1 साल की बेटी से अब तक सीखी हैं। पहला है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अभी के समय में जिए। अगर आप किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, तो उनका ध्यान जिस काम में को वो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूबा हुआ होता है। इनफैक्ट वो अपने सराउंडिंग या अपने एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अलर्ट रहते हैं। अगर दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा है तो मेरी बेटी मुझे इमीडिएटली बता देती है कि देखो एक कुत्ता बाग कर रहा है, इशारे से मुझे बता देती है। पर वही हम लोग, हम बड़े अपने कामों में या अपने विचारों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा ध्यान इन चीज़ों पर नहीं जाता है। तो बच्चों से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अभी में रहें, पास्ट या फ्यूचर में ना अटके। कोई भी बच्चा इस चिंता में नहीं लगा रहता है। दूसरा पॉइंट है लेट गो ऑफ द ग्रजेस, मतलब किसी से बैर नहीं रखना। अगर आप बच्चों को देखेंगे तो कई बार हम बड़ों से उनके तरफ काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे डायपर लेट चेंज करना, उनको समय पर नहीं खिलाना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं देना या कभी उनको अटेंशन नहीं देना, ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। तो वो इस चीज़ को जाहिर करते हैं अपने रोने गाने से, पर वो उस चीज़ को दिल में बिठा के नहीं रखते हैं। जब उनकी वो नीड्स पूरी हो जाती है, अगले ही मोमेंट वो सब भूल के वापस नॉर्मल हो जाते हैं और फिर नई शुरुआत कर लेते हैं। पर हम बड़ों के साथ ऐसा नहीं है, हम ग्रजेस जो हैं किसी से बैर सालों तक रखे रखते हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम आगे बढ़ सके। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बच्चों की तरह भूल कर वापस नए सिरे से शुरुआत करें। तीसरा पॉइंट है लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, मतलब कि हमें चीज़ों को, अपने एनवायरमेंट को, लोगों को कंट्रोल करने की जो हमारी नीड है उसे लेट गो कर देना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ जब हम रहते हैं तो पूरा केओस रहता है घर में। वो कब खाएंगे, कब सुसु करेंगे, कब उनको फीडिंग चाहिए, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई सेट टाइम टेबल नहीं होता है। और जब वो हमारे जीवन में आते हैं तब जो हमारी हर चीज़ प्लान करने की जो आदत होती है, हर चीज़ को कंट्रोल करके करने की आदत होती है, वो आदत हमारी छूट जाती है। क्योंकि बच्चों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही खाना पीना या जो दूसरे काम है वो करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एम्ब्रेस करें जो अनसर्टेनिटी है दुनिया में उसको, और उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जब हम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम ज्यादा दुखी रहते हैं। इसलिए जो जैसा है वैसे उस चीज को एक्सेप्ट करना, ये हमें बच्चों से सीखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। अगर आप एक बच्चे को देखोगे पैदा होने से लेकर 1 साल तक वो बहुत से माइलस्टोन्स अचीव करता है, जैसे कि क्रॉल करना, घुटने के बल चलना, खड़े होना अपने आप, सपोर्ट के साथ चलना, फिर बिना सपोर्ट के चलना, कुछ कुछ बातें करना सीखना। तो ये 1 साल में इतने सारे माइलस्टोन्स अचीव करना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर वो माइलस्टोन अचीव करने के पहले की जो प्रोसेस होती है उसमें आप देखेंगे कि वो कितने बार फेल होता है। वो बच्चा बार बार गिरेगा, बार बार कोशिश करेगा, बट वो जितने बार गिरता है उसके बाद भी, उसे चोट भी लगती है उसके बाद भी, वो ट्राई करना छोड़ता नहीं है। ये हर बच्चे के अंदर एक चीयर लीडर होता है। चीयर लीडर मतलब जो एनकरेज करता है, तो वो उसके दिमाग में होता है और वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि फिर से ट्राई करना है जब तक वो सक्सीड नहीं हो। वहीं पर हम जो बड़े हैं, ज़रा सी फेलियर क्या मिलती है, हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें बच्चों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बार बार हम ट्राई करें जब तक हमें सक्सेस नहीं मिले। पांचवा पॉइंट है गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई चीज़ जो उन्होंने करी है उसे रिपीट नहीं करते, वो उन्हें नई नई चीज़ें चाहिए। तो उनका क्यूरियस माइंड होता है और वो उनके कंफर्ट जोन के बियॉन्ड होता है। तो कंफर्ट जोन जब तक वो उसको पार नहीं करेंगे तब तक वो ग्रो नहीं होंगे। इसीलिए हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि एक्सप्लोर करते रहे नई नई चीज़ें, ताकि हमारा भी माइंड एक्सपैंड हो, हमारी भी ग्रोथ हो और हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। छठा पॉइंट है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर बच्चे को कोई परेशानी है तो वो तुरंत ही एक्सप्रेस कर देता है, रो कर, चिल्ला कर, टैंट्रम्स थ्रो कर उसे वो बता देता है उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या उसे खाना खाना है, या उसे नींद आ रही है, उसे चिड़चिड़ हो रही है, कुछ भी हो वो उसी वक्त एक्सप्रेस कर देगा या कर देगी अपने एक्शन से, रोने गाने से या चिल्लाने से। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर की फीलिंग्स को दबा के ना रखें, हम एक्सप्रेस करें उन चीज़ों को,
तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा और तभी उस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे। बट हम अडल्ट्स के छिपाने की बहुत आदत होती है, हम अपनी परेशानियां अपने अंदर रखते हैं, इससे ये होता है कि हम अंदर से बिटर होने लगते हैं और डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें ये बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। सातवां पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, कीप लर्निंग। बच्चे का माइंड इतना सॉफ्ट होता है, वो हर चीज एब्जॉर्ब करते रहता है जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो हर एक्शन इमिटेट करने की कोशिश करता है, उनके जैसे बाल बनाना, उनके जैसे काम करने की एक्टिंग करते हैं, तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत फास्ट होती है और वो जल्दी जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, बोलना भी सीखना चालू करते हैं और वर्ड्स भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हम एडल्ट्स को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम बड़े हो गए तो हमें लर्न करना बंद कर देना चाहिए। जितना हम लर्न करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, उतना हमारा माइंड शार्प होगा, उतना हमारा माइंड बढ़ते रहेगा और हमारी ग्रोथ होती रहेगी। आठवां पॉइंट है, जॉय इज इन सिंपल थिंग्स। मतलब खुशी सामान्य चीज़ों में होती है। अगर आप एक बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि पेपर का फटना, कोई फनी साउंड का होना, पानी का गिरना, इन सिंपल चीज़ों में वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं पे हम बड़े बड़ी बड़ी खुशी चीज़ें पाकर भी हम खुश नहीं होते, हम भूल जाते हैं कि जॉय जो है वो जो असली खुशी है वो सिंपल चीज़ों में है। हम उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंपल चीज़ों में खुश रहें, फॉर ग्रांटेड नहीं लें उन चीज़ों को, उन चीज़ों की वैल्यू करते हुए हम खुश रहें। नाइन्थ पॉइंट है, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। अगर आप एक बच्चे को देखोगे वो जब भी सुबह उठेगा तो वो डिप्रेस्ड या सैड होके नहीं उठता है, रोएगा अगर उसे भूख लग रही हो तो, बट अदरवाइज वो हर दिन को एक नए दिन की तरह लेते हैं, नई तरीके से फिर वही चीज़ें करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं चीज़ें ट्राई करने के लिए, वापस खिलौनों से खेलने के लिए। वहीं पर हम बड़े बहुत ही चिंता से उठते हैं, चिंता से सोते हैं और हर दिन कई बार बोझ की तरह लेते हैं। बट हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे हर दिन को एक नए दिन की तरह एंजॉय करते हुए लाइफ को जिए। और आखिरी पॉइंट है, लव अनकंडीशनली। बच्चे जो है वो अनकंडीशनल लव करते हैं उन पेरेंट्स को। अब आप कहेंगे कि हम उनकी केयर करते हैं इसीलिए वो हमें पसंद करते हैं, या हम पे डिपेंडेंट है वो किसी तरह इसीलिए वो हमसे प्रेम करते हैं, बट पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको चोट लग जाती है तो उनकी आंखों में भी चिंता या दर्द दिखता है, वो उसको सहलाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। उनके जो हग्स होते हैं, रैंडम हग्स होते हैं, कभी भी आकर आपको गले लगा लेते हैं, ये सब अनकंडीशनल लव की निशानी है। इन फैक्ट पेरेंट्स जो होते हैं या एडल्ट जो होते हैं वो कई बार अपने इंटरेस्ट से बच्चों को प्रेम करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे चल के हमें सपोर्ट करेंगे, बट बच्चों का अभी इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उनका लव प्योर और निश्चल होता है। तो कैसे लगे आपको मेरे 10 पॉइंट? ये सब चीज़ें हैं जो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने अंदर उसे ढाल सकूं। मुश्किल है बट मेरी कोशिश जारी रहेगी। आपको आपने क्या सीखा है बच्चों से मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन के लिए मेरी वेबसाइट पर लॉग इन करें, mindsutra.in पर। थैंक यू सो मच।